बिहार समस्तीपुर से देखिए रिपोर्ट जितेंद्र कुमार की। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के अवसर पर समस्तीपुर नगर भवन के समीप जननायक की प्रतिमा पर राज्यसभा में जनता दल यू संसदीय दल के नेता रामनाथ ठाकुर ने माल्यार्पण कर जननायक को नमन किया और कहा कि पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ता के 36 वर्षों के लंबे संघर्ष का परिणाम है कि भारत सरकार के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया है। इसके लिए भारत सरकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं एवं उन्हें धन्यवाद देता हुआ। साथ ही जननायक की प्रतिमा पर महिला आयोग की अध्यक्ष अश्वमेघ देवी, डिप्टी मेयर रामबालक पासवान, जनता दल यू जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, नगर अध्यक्ष शंकुतला वर्मा, बनारसी ठाकुर मो एबाद, जगनारायण शर्मा, बबन चौधरी, शंभु ठाकुर, शारिक रहमान लवली, उमाकांत राय, चंदेश्वर ठाकुर, निर्मला ज्योति, मनोज कुमार जायसवाल, प्रमोद कुमार राय, राकेश कुमार राज, अमित कुमार मुन्ना, अरुण कुमार राय, शुभकांत ठाकुर आदि के द्वारा भी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं गोखुल कर्पूरी फुलेश्वरी महाविद्यालय कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर में त्रिमूर्ति भवन व स्मृति भवन कर्पूरी ग्राम में स्थापित भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण राज्यसभा में जनता दल यू संसदीय दल के नेता रामनाथ ठाकुर आदि के द्वारा किया गया। मौके पर महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का पुण्यतिथि और रामकृष्ण परमहंस का भी आज जन्म है। इस अवसर पर मैं रामकृष्ण परमहंस भारत जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धा के दर्शन उनके चरणों पर अर्पण करता हूँ। जनता दल यू के संघर्षशील साथियों द्वारा और जनता दल यू के नेताओं द्वारा जो 36 वर्षों से संघर्ष के माध्यम से भारत सरकार ने 36 वर्षों के बाद जो भारत की देने का काम किया, मैं अपनी तरफ से अपने दल के सभी साथियों की तरफ से अपने परिवार की तरफ से और खासकर समस्तीपुर जिला के सभी संघर्षशील साथियों की तरफ से भारत सरकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। आज जो मसाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने और आध्यात्मिक रास्ते पर रामकृष्ण परमहंस ने जो कार्य किया, उस मसाल को जलाते रहना है। उनके किए हुए कार्यों पर साथियों को अमल करना है और उनका मसाल बुझ न पाए इसके लिए प्रयत्नशील रहना है। यही मैं अपनी तरफ से दोनों के प्रति। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि है
और हम सब लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं। उनके चरणों में श्रद्धा के दो फूल अर्पित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारे जननायक को भारत रत्न दिया है। और इस अवसर पर हमने आज एक पत्र लिखा है उनको, और पत्र के माध्यम से हमने अनुरोध किया है कि देश के शोषितों, वंचितों, लांछितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, महादलितों, गरीबों और महिलाओं की आवाज़, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को आपने भारत रत्न दिया है, ये उनका 100वीं जयंती वर्ष है। इस अवसर पर आप एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार में स्थापना कर आने वाली पीढ़ियों को सदियों तक जननायक के रास्तों पर, जननायक के विचारों से और जननायक के किए गए कार्यों से प्रेरणा स्रोत बना के एक ऐतिहासिक निर्णय लेने की कृपा की जाए। ये पत्र मैंने आज प्रधानमंत्री जी को दिया है।